हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीबी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी जो ट्रेड एग्ज़ाम है उसका पार्ट वी है ना, ट्रेड एग्ज़ाम वाला है, स्टेज सेकंड वाला, उसके बारे में। ये मैंने एक पूरा मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट लिया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। ये जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड हो या वायरमेंट ट्रेड हो, इन सब के लिए मैंने 75 क्वेश्चन का एक पूरा सेट लिया है। ये जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आप यहाँ से अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं जरा। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ये है सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है, का जो परिदृश्य होता है किस कलर का होता है? जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं उसका परिदृश्य किस रंग का होता है? देखो भाई, सूचनात्मक चिन्ह जितने भी होते हैं ना साइंस, इसकी मैंने वीडियो पहले ही बना दी है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप सर्च करेंगे तो सारी वीडियो सारी जो है मिल जाएगी। ठीक, और जो हमारे विद्युत जो फायर है, फायर के कोजेज होते हैं, ठीक है, कितनी तरीके की फायर होती हैं, है ना, किस किस से हम उनको बुझाते हैं, सारी वीडियो मैंने बनाई है। कम से कम दो तीन क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलने वाले हैं, इसको सेफ्टी इक्विपमेंट्स कहते हैं, अब आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का मैंने जो है समझाया हुआ है, ये दे रखा है अभी। ये है जो है हमारा जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं हमारे, क्या होते हैं वो जो है हरे रंग के होते हैं, उनका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, जैसे इसमें दिखाया गया ना, मैंने वीडियो बनाई है, वो जो है ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा वो हरे रंग के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से अग्निशामक नहीं प्रयोग किए जाना चाहिए। ठीक है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग यूजर मस्ट नॉट बी यूज फॉर फायर जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट की वजह से जो है आग लगती है, तब हमें क्या नहीं यूज़ करना चाहिए? ठीक है, हमें जो यूज़ नहीं करना चाहिए, जो हमारा फोम टाइप होता है, जो हमारा फोम टाइप होता है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। क्या है, एक्सटिंग यूज़र जो है, फोम टाइप हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ये मूरे जो है पूरे 75 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, अब आप इनसे आपको अपने आपको चेक कर लेते हैं, ये ट्रेड एग्ज़ाम है, ट्रेड एग्ज़ाम पूरा फुल मॉक टेस्ट है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, आगे है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये है हथौड़ों का वर्गीकरण निम्न किस आधार पर किया जाता है? जो हमारे हथौड़े होते हैं उनका जो वर्गीकरण है किस आधार पर किया जाता है? हथौड़ों का वर्गीकरण जो है पीन एवं तोल, पीन एवं तोल के आधार पर किया जाता है। तो क्या है, पीन एवं तोल के आधार पर किया जाता है। इनका उपयोग ये होगा कील ठोकने को, है ना, गिट्टी या रावल प्लग ठोकने, सीजल के साथ दीवार आदि में छेद करने के लिए, या लकड़ी पर फॉर्मर या चीजल के साथ कार्य करने के लिए इनका क्या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को, जो हमारे पास जो रेती या तथा हेक्सा होती है, ठीक है, इन जनरल भाषा में जो रेत लगाते हैं हम, ठीक है, शार्पनेस करने के लिए, है ना, किसी की एज को शार्प करने के लिए जिसको रेत लगाना कहते हैं, रेती जो कहती है हॉक्सा, ठीक है, तो जो है उसको जो है हमें जो है ब्रश से साफ करके रख देना चाहिए। ठीक है, ब्रश से साफ करके रख देना चाहिए, उसको हमें जल से भी नहीं धोना चाहिए, तेल लगाकर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसको जो ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो उसके जो है जो उसके दांत होते हैं, है ना, उसमें जो है फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ये है पिन टू पिन सॉकेट, टू पिन सॉकेट और पिन का तब प्रयोग किया जाता है जब एसेसरीज, पिन टू सॉकेट और पिन का तब प्रयोग किया जाता है जब हमारी एसेसरीज क्या होती है, भी दोहरी इंसुलेटेड होती है। क्या होती है, दोहरी इंसुलेटेड होती है ना। देखो भी मैं चार ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, जो हमारा आंसर है सिर्फ उसी ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, 75 क्वेश्चन हैं, ये मुझे जो है 25 से 30 मिनट में पूरे करने हैं 75 क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करने का हूँ, उसमें दो न्यूमेरिकल हैं वो भी समझाने हैं मुझे। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। आगे है ये वाला 6 नंबर का है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? ठीक है, तो सीधा सीधा बात है, ओम का नियम जो है हमारा अर्धचालक पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे अर्धचालक होते हैं वो नॉन लीनियर डिवाइस हैं। जो हमारे अर्धचालक हैं लॉन सॉरी नॉन लीनियर डिवाइस हैं, और इनका जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, ठीक है, ये टेम्परेचर कोफिशियंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ओम का नियम जो अर्धचालक के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ओम का नियम क्या है, बी अपॉन आई बराबर क्या होता है, कॉन्स्टेंट या आर होता है। ठीक है, ये हमारा ओम का नियम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओम का नियम।
आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच संबंध ओम के नियम के अनुसार है? ठीक है, ओम का नियम क्या होता है हमारा, बी अपोन आई बराबर आर होता है, बी अपोन आई बराबर आर। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखिए। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा करंट हो गया, ये हमारा वोल्टेज हो गया। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, बी आई जो है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपोन बी हो जाएगा। ठीक है, इधर पहुंचेगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, क्या है अभी, सॉरी गलत बता दिया मैंने, ये हमारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है ये हमारे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखे है ना, यहाँ देखिए, बी और आई जो है हमारे, बी अपोन आई बराबर आर हो जाता है, या बी बराबर हमारा हो गया आई आर, या बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। तो जो हमारा ग्राफ हो जाएगा बी अपोन आई के बीच, क्या हो जाएगा वो हमारा, ये हमारा आई है, ये हमारा बी, क्या हो जाएगा, लीनियर ग्राफ हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक ठीक है ना, इसमें जो है लीनियर आकृति आती है, क्योंकि बी प्रोपोर्शनल टू आई समानुपाती होते हैं, तो क्या होता है अभी हमारा जो ग्राफ जो है लीनियर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं, ये आठवां, 1 मिली वाट शक्ति किसके बराबर होता है, 1 मिली वाट शक्ति किसके बराबर होता है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं, 1 मिली वाट शक्ति किसके बराबर होता है, देखो जरा इधर। ठीक है, यह 1 मिली वाट, 1 मिली वाट बराबर क्या होता है, 1/1000 बाट। ठीक, या क्या हो जाएगा, 10^-3 बाट, 10^-3 बाट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा अभी बताओ, एक एक क्या है, मिली वाट बराबर 1000 बाट हो जाता है, 1/1000 बाट हो जाएगा, 1 मिली वाट के बराबर। ठीक, अच्छा समझो जरा, 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट बराबर होता है हमारा साहब 10^3 वाट। ठीक, और 1 मेगावाट बराबर कितना होता है हमारा, 1 मेगावाट बराबर होता है 10^6 वाट। ठीक है भाई, ये आंसर याद कर लेना। ठीक, इतना समझ में आया है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, आगे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है 7/20 केल्विन का अर्थ है, जो 7/20 केल्विन है, इसको फिर से समझा देता हूँ, 7/20 केल्विन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी समझा देता हूँ, देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा है ना, क्या क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं। ठीक है, 7/20 जो है क्या है, देख लीजिए जरा, ये है अभी हमारा 7/20, 7/20। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो है, जो 7 केबल में जो है 7 चालक तार है, केबल में 7 क्या है चालक तार हैं, 7 जो है चालक तार हैं। ठीक, और जो 20 है नीचे, 20 क्या प्रदर्शित करता है, 20 हमारा जो है उस केबल का गेज है, उस केबल का गेज, उस केबल का गेज। तो इसका क्या मतलब हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है 20 20SWG7, SWG G4 गेज 7। ठीक है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारा पहला, 20 SWG के 7 तार। ठीक है, 20 गेज का हमारा तार है, 20 गेज का हमारा साइज है उसका। ठीक है, उसमें जो है 7 तार हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक की प्रतिरोधकता की इकाई है, जो चालक की जो प्रतिरोधकता इकाई होती है वो क्या होती है भी, वो हमारी होती है ओम मीटर, क्या होती है, ओम मीटर, चालक की प्रतिरोधकता इकाई हमारी होती है ओम मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक, अच्छा ऐसा समझा देता हूँ मैं, ओम मीटर कैसा आती है भी, जो हमारी प्रतिरोधकता होती है ना, प्रतिरोधक तो करते हैं हम इस तरीके से, रो से, रो बराबर होता है हमारा आर इंटू एरिया अपॉन एल, आर इंटू एरिया अपॉन एल। ठीक है, आर को कहते हैं ओम में प्रतिरोध हो गया, एरिया है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो कितना बचा, ओम मीटर बचा, कितना हो जाएगा आंसर इसका, ओम मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है, निम्न में से किस कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक सामर्थ्य उच्च होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा समझ लो जरा, थोड़ी कहानी सुन लो। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जो परावैद्युत भंजकता का विरोध करता है, ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, जैसे वायु का परावैद्युत सामर्थ्य होता है हमारा 3000 वोल्ट पर mm, 3000 वोल्ट पर mm हमारा ए उसका होता है एयर का, रबड़ का होता है 16000 वोल्ट पर mm। ठीक है, तो सबसे जो उच्च है यहाँ वो किसका है, सबसे ज्यादा उच्च है हमारे यहाँ माइका का, किसका है यहाँ, माइका का सबसे ज्यादा उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वें नंबर का, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की क्या है, पदार्थ के ताप और उसकी प्रकृति, ताप पर और उसकी प्रकृति
प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, तथा प्रतिरोध लंबाई एवं क्षेत्रफल दोनों पर, है ना, तथा प्रतिरोध जो है लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा उसका, बी और सी दोनों, ठीक है। चालक की लंबाई और क्या है हमारा, उसकी क्या है, ये है ना, बी और सी दोनों, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, आगे क्या है क्वेश्चन, ठीक है, आगे देख लेते हैं जरा। ये है, नीचे दिए गए सर्किट में चालकता का मान बताना। अभी नीचे दिए गए सर्किट है, इसमें चालकता का मान बताना है। ठीक, अब देखो भी चालकता का मान कैसे बताया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, इसको समझ लीजिए जरा। ठीक, अब देखो भी सबसे पहले जो है ये समझ लेते हैं, जो हमारे जो तीनों जो ये क्या लगे, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये लगे हुए हमारे समान, सॉरी श्रेणी में, सॉरी ये लगे हुए हमारे समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तीनों हैं ये समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला रेजिस्टेंस का क्या निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/10, 1/20 प्लस की 1/40, इतना आया क्लियर। ये 1/R जब सोल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा हमारा ये 7/40, ये आर आ जाएगा हमारा कितना, 40/7। इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसका, 40/7 करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो भाई आर की वैल्यू आ गई हमारी, अब हमें निकालना क्या है भाई, इसमें हमें निकालना है इसका दिए गए सर्किट में चालक तत्व, चालक तत्व जो होता है, ठीक है, तो चालक तत्व जी बराबर होता है 1/R, 1/R करेंगे तो 4/7/40, 7/40 को सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.175, 0.175 आंसर हो जाएगा हमारा सी इसका सही, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा 200 वाट, 200 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट सप्लाई के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, बल्बों द्वारा खर्च की गई कुल ऊर्जा बतानी है। ठीक, अब ये सवाल फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे लिए, फिर इसको देख लेते हैं, समझने की कोशिश करना मैं किस तरीके से करूँगा। ठीक है, जो पावर दे रखी है हमारी P1 दे रखी है हमें 100 वाट, ठीक, दूसरी कंडीशन में हमें P2 दे रखा है हमारा 200 वाट, इतना क्लियर होता है, इतने क्लियर होगा, वोल्ट दे रखा है अभी हमें 200 वाट। तो जो पहली कंडीशन में हम निकालेंगे इसका रेजिस्टेंस R1, ठीक है, निकालेंगे कितना होता है P × B/100, 200, क्या निकालते हैं, सॉरी कितना निकालना, 100, 100, एक में 100 दे रखा है, एक में 200 दे रखा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 100 × 200/200, कितना आ गया यहाँ से, यहाँ सोल्व करा इसको, यहाँ से तो आ गया हमारा 100, समझ में आया। दूसरी कंडीशन में कितना दे रखा है हमें, R2 निकालना है, R2 दे रखा हमें, 200 × 200 करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है, इसी कंडीशन में P × B/100 से निकाल देंगे, ठीक है, इससे निकाल दिया। अब कुल जो निकाल दें हैं हमारा, I बराबर होता है हमारा कितना, B/R, B बराबर IR होता है, ठीक है, तो B/R, तो R निकालेंगे यहाँ से, R कितना निकल जाएगा अभी, वोल्टेज कितना है 200, R कितना आया है, हमारे जो प्रतिरोध हैं ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं, एक सेकंड, सवाल दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, अभी श्रेणी क्रम में अगर हम रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा अभी, टोटल रेजिस्टेंस R1 हमारा 100 आया, R2 हमारा 200 आया है, ठीक है, ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल, दूसरा कितना हो जाएगा ये 200 × 200, है ना, 200 यहाँ से आया है, 200 यहाँ से आया है, कुल मिला के यहाँ से हो जाएगा हमारा ये 300, कितना जाएगा हम इसको सॉल्व करेंगे तो 200 और 100, 300, 2/3 आ गया, कितना आ गया 2/3। एक फार्मूला होता है P = I²R, ठीक है, P = I²R, R की वैल्यू 200 दे रखी है, R हमने यहाँ से निकाल दिया, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 50 वाट, सॉल्व करेंगे तो 50 वाट इसका आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं, 15 नंबर में हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये है फ्यूज तार की रेटिंग सदैव निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है, जो हमारे फ्यूज तार की रेटिंग होती है ना, उसमें क्या व्यक्त की जाती है, ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब समझना जरूरी, फ्यूज तार होता क्या है अभी, घरों में जो है क्या होता है, फ्यूज तार लगाया जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, ज्यादा लोड हो जाए तो क्या होता है, फ्यूज तार हमारे जल जाता है, जिससे क्या होते हैं हमारे जो घर घर के उपकरण है वो क्या है, बच जाते हैं, ठीक है। जो फ्यूज तार की रेट की जो रेटिंग होती है वो क्या होती है हमारी, होती है एम्पेयर, फ्यूज तार की रेटिंग ये होती है, क्या होती है अभी, उससे जो व्यक्त करते हैं किसमें, एम्पेयर में व्यक्त व्यक्त करते हैं, ठीक है। जो एनर्जी मीटर की रेटिंग होती है उसको कहते हैं kW/h में करते हैं, पावर की रेटिंग करते हैं एम्पियर वोल्ट, पावर की करते हैं एम्पियर वोल्ट में, तो एम्पियर वोल्ट होती है हमारी पावर की,
ये होती है हमारी एनर्जी की, एनर्जी मीटर जो होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं 16 नंबर का सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लेते हैं 16 नंबर में क्या कहना चाह रहा है। यदि एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयरन के द्रव्यमान M1 तथा M2 और उनके विद्युत रासायनिक समतुल्य भार Z1 और Z2 में क्या अनुपात है? आपने एक बात पढ़ी होगी भी, है ना, धारा की Q बराबर हमारा IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT। Q क्या है? धारा प्रवाह की दर, ठीक है, समय और जो धारा है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय विश्लेषण नियम के अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित विभिन्न विद्युत विश्लेषणों के घोल में विद्युत धारा की समान मात्रा Q बराबर IT समान धारा समान समय में प्रवाहित की जाए तो जो है पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के भार के अनुक्रमानुपाती होती हैं। आपने पढ़ रखा है, एक फार्मूला होता है, क्या है? M1 अपॉन M2 बराबर Z1 अपॉन Z2, या बराबर हमारा इसके होता है E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा M1 अपॉन N2 बराबर Z1 अपॉन Z2। क्या आंसर जाएगा हमारा? बी आंसर जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉमन सवाल है पूछे जाने वाला, ठीक है, टेक्नीशियन इसरो टेक्नीशियन या ऑर्डिनेंस में या JEE में पूछा गया था ये हमारा रेलवे में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भारतीय रेलवे में AC ट्रैक्शन में प्रयोग किए जाने वाला वोल्टेज कितना होता है? ठीक है, अब इसको समझने की बात करो, AC ट्रैक्शन क्या होता है भाई? AC ट्रैक्शन का मतलब होता है जो हम जो इसको कहते हैं ना रेल से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, जो हमारा रेल इलेक्ट्रिसिटी से चलती रेलगाड़ी है ना उसके लिए यूज करते हैं। ठीक, क्या होता है वो जो हमारा होता है सिंगल फेज सप्लाई होती है, एक ही तार जाता है ना ऊपर, उसको कहते हैं सिंगल फेज सप्लाई। भारतीय रेल में AC ट्रैक्शन में प्रयोग किए जाने वाला वोल्टेज कितना होता है? 25,000 वोल्ट। कितना होता है? 25,000 वोल्ट, इसको कहते हैं 25 किलो वोल्ट कहते हैं, वो होता है हमारा 25,000 वोल्ट। सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है उससे वो हमारा 25,000 वोल्ट की सप्लाई होती है, इसलिए जो मैं कहता हूँ उसे दूर रहना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट जो है 18 नंबर का सवाल है, यदि एक स्थान पर चुंबकीय गति 30 डिग्री और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या है क्षैतिज घटक 0.06 गोस है तो उस स्थान पर ऊर्ध्वाधर घटक कितना होता है? देखो अभी समझो इस सवाल को, ठीक है, समझने की कोशिश करो ये सवाल क्या दे रखा है। आपने एक पढ़ रखा है एक फार्मूला हमारा होता है HHE बराबर होता है हमारा बी कोस थीटा, होता है कि नहीं? और HE दे रखा है हमें कितना 0.6 गोस, गोस एक साइंटिस्ट से भी हमारे, ठीक है, और जो थीटा दे रखा है थीटा होता है हमारा नती कोण, थीटा होता है हमारा नती कोण, दे रखा हमें 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आती है? हमारा एक फार्मूला होता है BE बराबर H अपॉन कोस थीटा, ठीक, और हमें वैल्यू निकालनी है इसमें BE की, है ना, तो BE बराबर कितना हो जाएगा, H की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी बताओ, H ही दे रखा है 0.6 गोस, कोस थीटा cos 30। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, आगे इधर देख लेते हैं जरा, आ जाएगा 0.6 अपॉन अंडर रूट 3/2, सॉल्व करने पर जाएगा 0.69 गोस, 0.69 गोस, ठीक है, तो ये आंसर जो है 0.69 गोस, इसमें हमारा कोई सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो तो भी ये सारे जो सवाल हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या होने वाला है, ये देखिए, ये है एक इंडक्शन कॉइल तथा एक अन्योन प्रेरणत्व गुणांक, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर से 10 की घात माइनस के 3 सेकंड में शून्य हो जाती है, द्वितीयक कुंडली में प्रेरक विद्युत वाहक क्या है? देखो भाई जो हमारा प्रेरक का नियम है कि सब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में क्या होता है, धारा प्रवाह होती है, ठीक, इतना समझ में आता है। अब देखो भी इस सवाल में हमें जो है क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है जरा समझने की कोशिश करो, आई दे रखा है इसमें 5 एम्पियर, आई दे रखा है 5 एम्पियर, दे रखा है 5 एम्पियर, नेक्स्ट दे रखा है समय दे रखा है हमें 10 की घात माइनस के 3 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, ठीक है, और बस इतना ही दे रखा है ना। ठीक, अब एक होता है हमारा क्या है 5 एम्पियर धारा दे रखी है विद्युत वाहक बल, अच्छा एक होता है ई बराबर होता है हमारा फार्मूला माइनस के MdI/dt, ठीक है, अब देखो भाई एम क्या होता है हमारा प्रेरित्व गुणांक होता है, एम होता है हमारा प्रेरित्व गुणांक, इसकी वैल्यू दे रखी है 5, 5 है ना, तो वही हमारा फार्मूला लगा देते हैं
कितना जाएगा, माइनस के 5 इंटू माइनस के 5 बटे 10 की घात माइनस के 3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ई बराबर कितना जाएगा 2 25 के आ गया 1 2 3 0 वोल्ट, क्योंकि 10 की घात 5 है ना ये, है ना, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी 5 5 25, ठीक है माइनस का है ना, 5 5 25, नीचे से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 25,000 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ गया हमारे, 25,000 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली क्या इंगित करती है। ठीक भाई, अब देखो सबसे पहले उंगली समझा देते हैं, उंगली क्या होती है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है भाई अंगूठा, ये हमारी उंगली दूसरी तीसरी, ठीक है 4 उंगली हो गई हमारी, ये हमारा हाथ हो जाता है। ठीक, ये हमारी हथेली हो जाए, ये हमारा जाता है अंगूठा, क्या होता है अंगूठा, अंगूठा, अंगूठे में ये जो उंगली होती है ये वाली, इसको कहते हैं अंगूठे के पास वाली उंगली कहते हैं हम तर्जनी। ये होती है हमारी मध्यस्का, ये होती है हमारी अनामिका और ये होती है हमारी कनिष्का। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, मैं पढ़ा देता हूँ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी जो उंगली होती है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, अंगूठा जो है बल को प्रदर्शित करता है, ठीक, जबकि मध्यम जो उंगली होती है धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह नियम वैद्युत मोटर हेतु प्रयोग होता है तथा दाएं हाथ का नियम वैद्युत जनरेटर हेतु प्रयोग होता है। ठीक, इतना समझ में आता है। ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं 21 क्वेश्चन, तो क्या आंसर जाएगा भी हमारा इसका, ये है चुंबकीय क्षेत्र। 21वां सवाल दे रखा, किसी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण दे रखा है 200 sin 6 to 8 t, है ना, तो विद्युत वाहक बल की आवृत्ति बतानी है। ठीक भाई, विद्युत वाहक बल की आवृत्ति बतानी है, तो इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करो। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई इक्वेशन दे रखी है, ये है इक्वेशन हमारी वोल्टेज की दे रखी है, बी बराबर 200 sin 6 to 8 t। ठीक, हमारी जो इक्वेशन किससे कंपेयर करेंगे हम वोल्टेज को, बी बराबर Bm sin ωt से इसकी कंपेयर कर लेंगे, बी बराबर Bm sin ωt से इसकी कंपेयर कर लेते हैं। तो ओमेगा दे रखा हमें कितना, देखो ओमेगा दे रखा 6 to 8, तो ओमेगा बराबर कितना दे रखा हमें 6 to 8, ओमेगा बराबर होता है 2πf, 2πf बराबर 6 to 8। यहाँ से जो है हम वैल्यू सोल्व करेंगे एफ की, तो एफ बराबर आ जाएगा हमारा 6 to 8 upon 2 × 3.14। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है दो तारों का प्रतिरोध जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो 25 ओम है, जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 6 ओम है, तो प्रतिरोध का मान बताना है। ठीक है, ये लंबा सवाल बहुत लंबा है, ठीक, लेकिन आपने इस तरीके के मैथ में सवाल सॉल्व करे होंगे, दे रखा भाई समांतर क्रम में R1 + R2 कितना हो जाएगा हमारा भाई साहब 25 ओम, नेक्स्ट कंडीशन में दे रखा है हमारा। ठीक है, अब हमारे निकालना है क्या समांतर क्रम में, तो R1 × R2 upon R1 + R2 हमें दे रखा है कितना 6 ओम। ठीक, दोनों दो इक्वेशन है, दोनों ने R1 R2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, R1 R2 बराबर 25 × 150, 150 हो जाएगा। ठीक है 25 × 150 हो जाएगा। ठीक, अब R1 और R2 सोल्व कर लेंगे, जो R1 R2 को सोल्व करेंगे तो R1 बराबर आ जाएगा हमारा 15 ओम और R2 बराबर आ जाएगा हमारा 10 ओम। ठीक, इस तरीके का सवाल है, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर इस तरीके ये सवाल अगर आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूरे चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अलग से करके, मैं इस तरीके के सारे न्यूमेरिकल्स तो आपको सोल्व करा दूंगा पूरे लॉन्ग तरीके से। ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, ये है यदि किसी परिपथ में 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध हैं तो पूरे परिपथ पर 50 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो 30 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज की कितनी गिरावट होगी। ठीक भाई, 30 ओम पर वोल्टेज पर कितनी गिरावट होगी, अब देख लो जरा इस सवाल को, मैं इस सवाल को देखो कैसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना। ठीक, अब देख लीजिए जरा, ये दे रखा है हमें, देखो भाई इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, यह है 20 और 30 ओम के दो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, इस तरीके से लगे हुए हैं कुछ। ठीक, समझ लो ये हमारा है ये दे रखा है 30 ओम, ये दे रखा है हमारा 20 ओम, ये हमारा B1 हो जाएगा वोल्टेज, यहाँ B2 हो जाएगा, ये हमारा दे रखा है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट दे रखा है, धारा I बराबर होता है हमारा B/R इक्विवेलेंट, है ना R इक्विवेलेंट, 30 और 20 समान सीरीज में है तो R1 + R2 हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको कितना हो जाएगा 50/50, यानी कि यहाँ कितना आ गया 1 एम्पियर हमारा करंट आ गया, 1 एम्पियर करंट आ गया। इतना समझ में आ गया, इतने समझने के बाद एक बात समझने की कोशिश करो,
ठीक है, जो हमारा जो पावर ड्रॉप होता है बी कितना होता है, बी बराबर होता है हमारा आई आर, बी बराबर आई आर होता है। तो यहाँ से 20 तो ये आ गया, किसके संदर्भ में आ गया, ये 20 ओम के अक्रॉस, 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, जो 20 ओम है बी बराबर आई आर। अब 30 ओम के कितने बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा अभी, 30 ओम हो जाएगा बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर, आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ 20 ओम, तो 20 हो गया। और जो हमारी आई की वैल्यू आई है वो आई है 1 एम्पियर। अब बी टू कितना जाएगा हमारा, बी टू जाएगा आई आर, आई की वैल्यू 1 है, आर है कितना हमारा 30, 30 आ गया। समझ में आया इतना, ठीक है। अब जो है वोल्टेज का रूल निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, वोल्टेज का रूल। अब वोल्टेज का रूल समझो जरा, वोल्टेज का रूल क्या होता है देखने की कोशिश करो जरा। देखो भाई ये बी वन बराबर कितना जाएगा हमारा, 50 × 20/20, ठीक। तो ये हमारा कितना आएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। वैसे बी टू निकाल देंगे, 20 तो जब हमारा क्या जाएगा, 30 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, क्या पूछ रहा है इसमें, बी टू पूछ रहा है 30 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लो भैया, नेक्स्ट है हमारा 24वां सवाल। पाइप अर्थिंग में पाइप का तनुकृत व्यास कितना होता है, जब हम पाइप अर्थिंग करते हैं तो पाइप का तनुकृत व्यास कितना होता है, ठीक है। समझ लो जरा, जो है पाइप अर्थिंग के लिए 38 मिलीमीटर व्यास, यानी कि 2.5 मीटर लंबा, 2.5 मीटर तो लंबा होना चाहिए, 38 मिलीमीटर व्यास होना चाहिए, बारह जिसमें 12 मिलीमीटर व्यास के अनेक छिद्र बनाए होते हैं पाइप में अर्थिंग में, जो है 8.5 SWG, है ना, SWG, जी क्या हो, SWG का तो हमारा डायमीटर होता है, ठीक है ना, GI तार का प्रयोग किया जाता है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 38 मिलीमीटर क्या होता है उसका व्यास होता है। नेक्स्ट है आदर्श डायोड का समकक्ष परिपथ क्या है, जो हमारा आदर्श डायोड होता है उसका जो समकक्ष परिपथ होता है, ठीक है, क्या होता है अभी देखो, अभी जो आदर्श डायोड का समकक्ष परिपथ क्या होता है, एक स्विच होता है ना, एक स्विच होता है, स्विच तथा डायोड दोनों धारा का प्रवाह एक ही दिशा में करते हैं, ठीक है। अभी जो डायोड हमारा इस तरीके का होता है, देखो ये हमारा डायोड होता है, डायोड को क्यों यूज करते हैं भाई, डायोड का हमारा मतलब होता है करंट का फ्लो वन डायरेक्शन में कराना, ठीक है। डायोड का जो हम यूज करते हैं करंट का फ्लो वन डायरेक्शन में कराने के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब होता है करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, ठीक है। बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अभी, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, एक स्विच की तरह यूज करता है करते हैं। आगे है ये क्या है, इंट्रिजिक अर्धचालक, अर्धचालक का ताप गुणांक कितना होता है, आइसेंट्रिक होते हैं वैसे तो, इंट्रिजिक लिखा हुआ, आइसेंट्रिक जो है अर्धचालक का जो गुणांक होता है वो कितना होता है, ऋणात्मक होता है, ताप गुणांक कितना होता है उसका, ऋणात्मक होता है ना, पीछे बताया था पहले दूसरे क्वेश्चन में बताया था वाला आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जो हमारा पी टाइप का अर्धचालक होता है उसके लिए यूज करते हैं हम जर्मेनियम, मतलब सिलिकॉन के त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि का यूज करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, जैसे हमारा बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आदि मिलाई जाती है। जो एन टाइप होता है, एन टाइप जो अर्धचालक बनाते हैं उसमें जो 5 संयोजी मिलाई जाती है, 5 संयोजी जो हम मिलाते हैं वो मिलाते हैं एन टाइप में, पी टाइप में मिलाते हैं हम 3 संयोजी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, त्रिसंयोजी, कितना हो जाएगा भैया, त्रिसंयोजी। नेक्स्ट हमारा 28, फिल्टर रेक्टिफायर का प्रधान कार्य क्या है, तो देखो फिल्टर रेक्टिफायर का मतलब होता है जो हमारे रिफिल फैक्टर होते हैं, रिफिल फैक्टर मतलब जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो है क्या होते हैं, जो हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं तो क्या होते हैं, एसी पल्स जो है डीसी पल्स में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि है ना, तो इसलिए हम जो रेक्टिफायर यूज करते हैं, एक रेक्टिफायर यूज करते हैं रिफिल फैक्टर को कम करने के लिए, यानी कि एसी की जो मिलावट है उसको छानने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, संशोधित निर्गत में क्या, उर्मी का हटाना, उर्मी का कहते हैं एसी को हटाना, एसी करंट को हटाना, जो हमारे एसी पल्स होते हैं और डीसी पल्स से हटाने को उसको क्या क्या कहते हैं हम, यह फिल्टर या रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, एक ट्रांजिस्टर में तीर का प्रतीक विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा इसको समझने की कोशिश करो, ठीक, मैं समझाऊंगा। एन टाइप और पी टाइप जो ट्रांसफॉर्म वो बनाते हैं ट्रांजिस्टर, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो भाई ये हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर है, ठीक, ये इस तरीके से होता है, ये हमारा बेस होता है, बेस मतलब आधार, ई होता है हमारा एमिटर, एमिटर मतलब उत्सर्जक, सी होता है हमारा कलेक्टर, कलेक्टर मतलब संग्राहक होता है। अगर ये हमारा ट्रांजिस्टर पीएनपी है, क्या है हमारा पीएनपी है, तो ये साइन अंदर को चला जाएगा हमारा कलेक्टर, किसका, एमिटर का, ठीक है, मैंने गलत बना दिया, ये जो है हमारा ऊपर जो है हमारा कलेक्टर है, नीचे हमारा एमिटर है, पर हमारा कलेक्टर है, एमिटर अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में अगर ये हमारा जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्या है हमारा ये, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक, तो ये हमारा क्या जाएगा,
ई ये एमीटर है, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा बेस है, तो ये साइन है ये हमारा बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एन पी एन, यानी कि दोनों तरफ एन पोल हैं और बीच में पी पॉजिटिव, ठीक है। पी एन पी में पी टाइप इधर है, पी टाइप इधर है, एन बीच में रख दिया एन टाइप, ठीक है। तो ये एन पी एन और पी एन पी ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक। अब अलग अलग वर्किंग है इनकी, एन पी एन कहाँ यूज़ करते हैं, पी एन पी कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने हमें साइन है, साइन याद करना है, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं छोटी सी आगे, और ये है हमारा काली पिट्टू दोलित्र परिपथ की विशेषता क्या है भाई, ठीक है। जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की जो इनपुट प्रतिबाधा होती है उच्च होती है ना। ये बीच में क्वेश्चन कहाँ गया होता है, 33 क्वेश्चन रह गए हमारे। ये है सी क्लास प्रवर्धक में कलेक्टर करंट करंट के लिए प्रयोग प्रवाहित होता है। जो सी प्रवर्धक में कलेक्टर करंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ है, अच्छा सॉरी अभी क्वेश्चन यहाँ आया हमारा, 30वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का क्या गुण है। जो हमारा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है उसका क्या होता है, उच्च इनपुट पर प्रतिबाधा होती है, जिसको कहते हैं हम जेड प्रतिबाधा। यह पशु सॉरी पुष्पुल प्रवर्धन की अपेक्षा पूर्वक प्रवर्धन को वरीयता प्रदान की जाती है। इसका कारण क्या है भाई, इसका कारण है परिराम परिमाण मित्र विहीन परिपथ होता है ना, परिणाम मित्र है ना, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा है इसका जो है क्या हो, परिमाण नहीं होता ना, उसका विहीन होता परिपथ। आगे देखते हैं, ये है नेक्स्ट हमारा, ये है, यह है सी क्लास प्रवर्धक में कलेक्टर करंट के लिए क्या प्रवाहित होता है। जो कलेक्टर करंट के लिए प्रवाहित करते हैं क्या करते हैं, आधी से कम इनपुट साइकिल होती है इसकी। आगे है काली पिट्टू दोलित्र परिपथ की विशेषता क्या है। जो हमारा काली पिट्टू दोलित्र परिपथ की विशेषता यह है कि यह जो जी आर रंग की आवृत्ति की दोलन पैदा करता है। इस परिपथ में संधारित सी वन सी टू एक वोल्टेज विकसित करता है। वोल्टेज को संधारित सी फोर के माध्यम से ट्रांजिस्टर के बेस को पुनः क्या कर लेते हैं, भेज देते हैं, जिससे क्या वोल्टेज के रूप में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ये है काली पिट्टू दोलित्र परिपथ की विशेषता क्या है अभी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा दोबारा रिपीट हो गया है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है जया तरंग की आकृति को द्वार दोलन को पैदा करना। आगे 34, यह मल्टी वाइब्रेटर दोलित्र परिपथ का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा मल्टी वाइब्रेटर दोलित्र परिपथ का उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है, यह एक विशेष प्रकार का दोलित्र परिपथ है जो मूल आवृत्ति के साथ अनेक हार्मोनिक आवृत्तियां पैदा करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मल्टी वाइब्रेटर रखा जाता है। इस परिपथ की एक विशेषता और है, इसे जो है बाह्य सिंग या पल्स या ट्रिगर पल्स प्रदान करने के लिए यह पल्स की आवृत्ति से क्या करता है, दोलन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है इन्वर्टर का कार्य क्या है भाई, इन्वर्टर का हमारा क्या कार्य होता है। अब समझो भाई इन्वर्टर का क्या कार्य होता है, इन्वर्टर का कार्य होता है डीसी से एसी में कन्वर्ट करना। हमारे घर में जो बैटरी यूज करते हैं वो डीसी की होती है, इन्वर्टर का यूज करते हैं उसको हम एसी में बनाने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात है हमारा 36 क्वेश्चन है ना, इसको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं, यह है दशमिक संख्या 10 के समतुल्य बाइनरी संख्या है, ठीक है। अभी 16 है जैसे, है ना, देख लेते हैं 16 है, कर लेते हैं सोल्व। चलो 2 से डिवाइड करा 8 आ गया, कितना बचा 0 बचा। नेक्स्ट देख लेते 2 से करा 4 आ गया, कितना बचा 0 बचा। नेक्स्ट आगे 2 से डिवाइड करा, 2 बार गया, कितना बचा 0 बचा। 2 से गया, 1 बार गया, यहाँ से लिख देते हैं इसको, तो 1 0 0 0 0 यहाँ 2 आ जाएगा, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका ये। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, यह 37 क्वेश्चन, एक घर के वायरिंग परिपथों में लैंप कैसे जोड़े जाते हैं। जो घर की जो वायरिंग होती है भाई, है ना, जो घर की वायरिंग होती है सभी क्या होती है, समांतर क्रम में होती है घर की वायरिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, एक डीसी जनरेटर इफिशेंसी की मैक्सिमम, जब हमारे डीसी जनरेटर की दक्षता अधिकतम कब होती है भाई, जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसकी दक्षता अधिकतम कब होती है, जब उसका जो है क्या होती है, जो कॉपर लॉस होता है ना जो हमारी लौह हानि होती है वो क्या होती है, 0 हो जाए, तो कब होगी वो, आई मैक्सिमम बराबर होता है हमारा अंडर रूट पावर इनपुट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। कब होती है हमारी, जब चर हानि माइनस के नेत हानि बराबर 0 होता है, जो चर हानि माइनस के जो हमारा वेरिएबल लॉस है ना, जो हमारा क्या होता है वेरिएबल लॉस माइनस ए कॉन्स्टेंट लॉस इक्वल टू 0। 39 क्वेश्चन देखते थे, क्या है ए डी सी सीरीज मोटर इज बेस्ट, क्या है स्वाइट सूट क्या है सूटेड फॉर ड्राइविंग, यानी कि एक दृष्ट धारा श्रेणी मोटर ड्राइव के लिए सबसे उपयुक्त होती है, ठीक है भाई। कौन सी उपयुक्त होती है, क्रेन और हाईएस्ट,
क्रेन्स और हाईएस्ट। ठीक, अब उसके बारे में बता देता हूँ मैं। ठीक है, क्या है अभी ये हमारा डीसी जो श्रेणी मोटर का उपयोग मुख्य से वहां करते हैं जहां मशीन की उच्च प्रारंभिक बालागुण की आवश्यकता होती है। डीसी मोटर को है ना कहीं कहीं जो है उच्च बालागुण, तुरंत से स्टार्टिंग में जो है लोड डाला हुआ आता है ना, जैसे क्रेन हो गया, हाईएस्ट हो गया, रेलवे में कुछ मुख्य स्रोत होते हैं ना। डीसी मोटर का प्रारंभिक बालागुण क्या होता है? उच्च होता है ना। ठीक है, इस मोटर को जो है कभी भी है ना नो लोड पर चालू नहीं करते हैं। डीसी मोटर पर नो लोड पर है ना ये तो स्टार्ट हो जाती है डीसी मोटर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी जो डीसी जनरेटर होता है हमारा वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी कहते हैं ना। आगे 41 क्वेश्चन, यह है ईवी अपॉन सॉरी ई एच अपॉन वी रेशियो ऑफ ए डीसी मोटर इज एन इंडिकेशन ऑफ, क्या इंडिकेट करता है अभी ये है ना हमारा, ये हमारा इंडिकेट क्या करता है? अब देखो भाई ये हमारे दे रखा है ई एच अपॉन ये, अब देखो भाई दक्षता बराबर होता है हमारा, इफिशेंसी बराबर होता है आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट होता है हमारा ई बी अपॉन बी है ना, किसको कर रहा है? इफिशेंसी को कर रहा है, आंसर हो जाएगा हमारा इफिशेंसी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है भाई ये है सवाल, ये है 10 KVA, 10 KVA 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर लघु परिपथ परीक्षण में 340 वाट और खुला परिपथ परीक्षण में 168 वाट दर्शाता है। इसकी दक्षता पूर्ण भार और 0.8 पक्षगामी शक्ति गुणांक पर लगभग है। ठीक है, बहुत लंबा सवाल है। ठीक है, समझ लेते हैं इसका क्या है। इसका आंसर तो 94% आएगा, इफिशियंसी निकाली ना। इफिशियंसी बराबर क्या होता है? आउटपुट इंटू कोस फाई अपॉन आउटपुट इंटू कोस फाई डब्ल्यू सी प्लस के डब्ल्यू टी, सारी वैल्यू रख देंगे 94% आंसर इसका आ जाएगा, सारी वैल्यू यहाँ से दे रखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है हमारा 43 क्वेश्चन, संट फील्ड प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सा है? संट फील्ड प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे जो उपयुक्त मीटर है हमारा वो कौन सा है? हमारा है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर होता है। आगे देखिए, ये है किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है? उसको तो लगाते हैं इंटीग्रेटिव टाइप, इंटीग्रेटिव टाइप होता है हमारा। 45, कम वोल्टेज पर मापन के लिए सेट किए गए किसी वोल्ट मीटर को है ना, किसी वोल्ट मीटर को क्या कहते हैं? उच्च प्रतिरोध को सीरीज में जोड़कर उच्चतर वोल्टेज रेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 46 क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मोटर को किस सीमा तक चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देख लो इसको। इसको जो है 50 हॉर्स पावर, कहाँ गया एक सेकंड जरा, इसको यूज करते हैं कितना हम जो है इसको यूज करते हैं, एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को 5 हॉर्स पावर सीमा तक चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रेरण मोटर पर भार शून्य नो लोड से पूर्ण भार फुल लोड तक बढ़ाया जाता है, तब कब बढ़ाया जाएगा भी? जब दोनों विसर्पी और शक्ति गुणांक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48, 48 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। निर्धारित वोल्टता पर किसी त्रिकला पिंजरी मोटर की शून्य भार धारा होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी होती है 30, किसी कितनी 30 डिग्री से 50 डिग्री होती है। 49 क्वेश्चन हमारा, यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित द्वारा उल्टी की जाती है। जो हमारी यूनिवर्सल मोटर होती है उसको जो है बुश लीडों को आपस में बदलकर, बुश लीडों को आपस में बदलकर उसकी डायरेक्शन क्या करती जाती है? अपोजिट कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारा, सीलिंग पंखा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर किस्म की होती है? हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है। कितनी होती है हमारी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्या है, स्थायी कैपेसिटर किस्म की होती है वो। नेक्स्ट है, सैडेड पोल मोटर की दक्षता के परास रेंज कितनी होती है? जो हमारी सैडेड पोल मोटर होती है उसमें जो परास की रेंज होती है कितनी होती है? 5 से 30% होती है। आगे है 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन है, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर को उपयोग करने का प्रयोजन किया गया, फैन को दी गई वोल्टता को कम करना, जो रेगुलेटर यूज करते हैं ना उसको कम या ज़्यादा करने के लिए क्या कर लेना, उसकी स्पीड को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यह है जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है, जिसका कारण है, ठीक है भाई, जिसका कारण है क्या? उच्च घूर्णन गति
पर कार्य करना, उच्च घूर्णन गति पर कार्य करना। समझा देता हूँ थोड़ा सा, समझ लो। जब विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का प्रयोग करते हैं तो उसका व्यास जो छोटा होता है, जिसका कारण यह है उच्च घूर्णन गति है पर कार्य करना। जब टरबाइन के अल्टरनेटर में रोटर को घुमाने के लिए जल टरबाइन प्रयोग की जाती है तो जल टरबाइन को घुमाने के लिए जल की तीव्र धारा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अल्टरनेटर को घूर्णन गति कम हो जाती है और इसकी पूर्ति के लिए आर्मेचर के पोल्स की संख्या क्या रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है। 54 क्वेश्चन है ना, अल्टरनेटर द्वारा हम क्या एसी करंट पैदा करते हैं, है ना, अल्टरनेटर मतलब एसी करंट। 55, किसी विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है ना, जो हमारा किस कौन सी का जो हमारा पावर आउटपुट होता है वो अधिक होता है, ये पूछ रहा है ना, कितना होता है, जिसमें जो है शक्ति कोण जिसका 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को क्या कहते हैं। जो समकालिक गति होती है और मोटर की गति होती है उसके अंतर को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम भाई स्लिप कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्लिप। 57 क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो स्लिप का फार्मूला होता है हमारा, स्लिप बराबर होता है एस बराबर एन एस माइनस के एन आर अपॉन एन एस। एस क्या हमारे स्लिप है, एन एस है हमारा तुल्यकालिक गति आरपीएम में एन एस है ना, ये है क्या है हमारा एन आर है हमारे रोटर की गति, ये भी क्या है आरपीएम में है। नेक्स्ट है हमारा एक रेक्टिफायर डायोड, एक एक रेक्टिफायर डायोड फॉरवर्ड दिशा में 20 ओम तथा विपरीत दिशा में 20,000 ओम प्रतिरोध दर्शाता है, तो वह क्या है भाई, है ना, 57 सवाल है। तो 57 में वो क्या है हमारा, अच्छा है, क्या है वो हमारा, अच्छा है। विपरीत दिशा में ओपन सर्किट है, दोनों दिशाओं में सर्किट है, नहीं कुछ नहीं है, क्या है वो, अच्छा है। 58 क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक है, इसका मतलब ये यही एक अच्छे जो है क्या है रेक्टिफायर की क्या होते हैं, गुण होते हैं। 58, यदि पोल्स की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है तो पोल पिच का मान कितना होता है, तो पोल पिच बराबर होता है हमारा खांचों की संख्या बटे पोल की संख्या, खांचों की संख्या बटे पोल की संख्या, इसको डिवाइड करेंगे हमारा 6 आंसर आ जाएगा, 6 खांचे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है यदि फेज कुंडली की संख्या बराबर हो, यदि फेज कुंडली की संख्या बराबर होती है तो कुल कुंडलियों की संख्या बटे फेज की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, एक उच्च दाब मरकरी बाष्प लैंप देता है, जो हमारा उच्च दाब मरकरी प्रेशर लैंप की दक्षता 50 ल्यूमेन पर वाट होती है, यह है 200 से 250 वोल्ट एसी पर कार्य करता है, ठीक है, समझ में आया नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 50 ल्यूमिनस वाट। आगे है हमारे 15 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। 61, जिस सर्किट ब्रोकर में कोई अनुरक्षण योग्य यानी कि सर्विसेबल पुर्जा नहीं होता वह क्या होता है, वह होता हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य क्या होता है, अभी हम इंजन यूज़ करते हैं, इंजन में फ्लाई व्हील लगाते हैं, फ्लाई व्हील का क्या काम होता है, जिस स्टॉक में हमें पावर ज़्यादा मिल जाती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जिस स्टॉक में हमें पावर कम मिलती है उसको रिलीज कर लेता है। तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, फेज के अंतर पैदा करना, क्या है फेज का अंतर, यानी कि ज़्यादा आ रही है तो इसको क्या रिसीव कर लेगा, फिर क्या उसको एग्जो क्या कर लेगा, रिलीज कर देगा। 63 है, घरेलू विद्युत ओपन में तापक्रम किससे नियंत्रित होता है, जो घरेलू विद्युत ओपन क्या होता है ओवन होता है ना, उसमें जो ताप नियंत्रित करते हैं किससे, हम थर्मो थर्मोस्टेट से थर्मोसेट से क्या है ताप नियंत्रित करते हैं। 64 सवाल है हमारा, 64 देख लेते हैं, तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम क्या होता है, अभी जो तापीय पावर प्लांट होते हैं ना उससे जो है बहुत सारी गैसें निकलती है, जैसे SO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, है ना, ये जो है दग्ध गैसें होती है ना, इनको जो है इकोनोमाइजर की सहायता से भीतर जाने वाले पानी को क्या फिर से दी जाती है, जो पानी अंदर जा रहा है हमारा, तो जब इससे क्या होता है पानी और गर्म हो जाता है, यानी कि इसकी क्या होती है दक्षता बढ़ जाती है ना, क्या हो जाती है उसकी दक्षता बढ़ जाती है, तो जो जो एग्जॉस्ट गैसों के भीतर आने वाली पानी को क्या कर लेते हैं, गर्म कर देते हैं, है ना, उसको जो पानी को गर्म कर देते हैं, जो हमारी जो एग्जॉस्ट हो रहा है वो हीट तो हमारी बेकार जाएगी, उसकी हेल्प से हम जो है जो पानी हमारा ठंडा आता है उसको जो है थोड़ा गर्म कर लेते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा हमारा हमारा जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूमिगत केबल में भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए केबल में, ठीक है भाई, 16 ये क्या हमारा 69 सवाल है ना, एक सेकंड रुकना जरा, सवाल बीच में 64, अच्छा ये बीच के सवाल गायब हो गए हैं ना,
देख लेते हैं 6 क्वेश्चन। भूमिगत केबल में भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए केबल में हम क्या यूज़ करते हैं भी? केबल में हम जो है सीसा या एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। अगले देख लेते हैं क्या सवाल है। सड़क के किनारे जो है किनारे किनारे केबल बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट है ना ये होती है भी 1 मीटर × 0.5 मीटर है ना, ये इसकी होती है। 71 क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 क्वेश्चन का आंसर क्या है देख लेते हैं जरा। भूमिगत लाइनों का उपयोग सामान्यतः कितनी वोल्ट तक किया जाता है? जो हमारी भूमिगत लाइन होती है उनका जो है 66 किलो वोल्ट तक किया जाता है। आगे है यह हॉर्न गैफ, थायराइड ऑक्साइड फिल्म आदि का नाम डैश किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये हमारा तड़ित चालक के लिए यूज़ किया जाता है। तड़ित चालक है ना, झंझर, तड़ित झंझर कहते हैं, तड़ित चालक कहते हैं जिसको। ठीक है आगे देख लेते हैं। यह है 3 पिन वोल्टेज नियामक आईसी के निर्गत सिरों के आर पार संधारित्र प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है अभी 3 पिन वोल्टेज नियामक आईसी जो होती है उसके सिरों को आर पार क्या पढ़ने का उद्योग होता है क्या, जो हमारी परिपथ होता है उसको ऑन या ऑफ करना है ना, विकसित जो है दोलनों को क्या करना बाईपास करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन 74। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण किए नहीं जाने का कारण क्या होता है? 74 क्वेश्चन है। जो टेलीविजन सिग्नल होते हैं ना उसके जो है इसकी क्या होती है पृथ्वी की वक्रता के कारण, पृथ्वी क्या है वक्र है ना, वक्रता के कारण पृथ्वी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की क्या आवृत्ति कितनी होती है जिसको हम सुन सकते हैं? तो वो हमारी होती है 20 से लेकर 20,000 वाट तक, 20,000 हर्ट्ज, सॉरी हर्ट्ज तक, फ्रिक्वेंसी का मात्रा का हर्ट्ज। अगर इससे ज़्यादा है तो हो जाती है हमारी परा श्रव्य, ठीक है, और 20 हर्ट्ज से कम है तो होती है अपश्रव्य, जो सुनने लायक ना हो, और जो सुनने से परा हो पराश्रव्य होती है। जो चमगादड़ होती है हमारी वो जो है पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं। ठीक ये जो है पूरा सेट एक है CVDT2 है ना। कौन कौन सी ट्रेड है ये हमारी? इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या वायरमैन, इन सबके लिए है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कमेंट है या कुछ क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे जो है फिर से सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सक करवा सकता हूँ। ठीक है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।